नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कोले। एवरीबॉडी वेलकम फ्रॉम माय कोले टेलीविजन। आज मैं आपको दिखाऊंगा सोनी 28 इंच का एक एलईडी टीवी। ये सब मैं खोल के रखा मेरे वर्क बेंच में, तो पैनल का जो प्रॉब्लम है मैं आपको दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम है, मैं कैसे ये रिपेयर किया, ये भी मैं आप लोगों को साथ शेयर करूंगा। तो पहले इसको ऑन करके मैं दिखाऊंगा क्या प्रॉब्लम होता है। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप वीडियो पूरा तक देखिए, तब भी आपको मालूम होगा ये प्रॉब्लम कैसे मैं सॉल्व किया, नहीं तो आपको कुछ समझ नहीं पाएंगे क्या हो रहा है और क्या हो गया, क्या होता है। तो मैं इसको पावर ऑन करता हूँ, मेरा बैकलाइट ऑन करेगा तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आएगा टीवी में, इसलिए मैं पहले पावर सेट ऑन करता हूँ। सेट का जो यूनिवर्सल बोर्ड मैं कनेक्ट करके रखा, ये मैं ऑन किया, आप देख सकता है तो टीवी ऑन हो गया। अब देखिए पिक्चर कुछ नहीं आता है, थोड़ा सा कुछ डिस्टर्बेंस आएगा आफ्टर सम टाइम, सब देख सकता है, देखिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन ये पूरा डिटेल्स मैं आपको बताने जाऊंगा तो बहुत लॉन्ग टाइम वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं ये क्या प्रॉब्लम है वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे क्या होता है। देखिए इसका साइड कॉफ है, अब यहाँ पर देख सकता है दो साइड कॉफ है, यहाँ पर दो साइड कॉफ है। अब मैं पावर ऑन है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये पर थोड़ा सा लाइनिंग आ रहा है, अब देखिए आपको मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं कोशिश करूंगा दिखाने के लिए। देखिए आप देख सकते हैं थोड़ा सा लाइनिंग आ रहा है, अब देखिए आपको मालूम होगा, देखिए थोड़ा सा लाइनिंग आ रहा है, अब देखिए मल्टी कलर वर्टिकल लाइनिंग आ रहा है। ये लाइन देख के बाद आपको मालूम होता है भिजील भिजीज का प्रॉब्लम है, लेकिन दोस्तों भिजील भिजीज का प्रॉब्लम ये नहीं है, आप पूरा देखते रहिए आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। मैं तो वीडियो में कुछ एडिटिंग नहीं किया, जो आपको मैं शेयर करता हूँ वो पूरा डायरेक्ट है, यहाँ पर एडिटिंग करने का काम नहीं है, ये एडिटिंग करने का टाइम मेरे पास नहीं है। इसमें पूरा वोल्टेज मैं सब चेक किया, और भिजील भिजीएच एबीडीडी एच एबीडीडी जो सारे त्रिकोण पैनल ड्राइविंग के लिए जो जो वोल्टेज रिक्वायरमेंट है वो सब कुछ, वोल्टेज सब कुछ सही है, वोल्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसीलिए मैं और नहीं रीड करता हूँ, मैं वो रीड करके देखा। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है फिर अच्छे से देखिए, ये जो लाइनिंग है वो बहुत ही अच्छा से आ गया, अब देखिए आपको मालूम होगा, देखिए जितना टाइम वेट करेगा ये जो वर्टिकल लाइनिंग आ रहा है मल्टी कलर वो हाई कॉन्टेस्ट होगा। ठीक है, तो इस सिचुएशन में मैं क्या करूंगा, इसका कॉफ जो डाटा सीट है वो, एक मिनट मैं आपको दिखाऊंगा, इसका जो कॉफ डाटा सीट है वो मेरा पास है। ठीक है, वो बहुत सारी कॉफ डाटा सीट मेरे पास है, वो मैं मेरा जो अपडेट प्रोग्राम होगा वहाँ पर सब कुछ प्रिंट आउट करके मैं
दे दूंगा और उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, बहुत सारी सर्किट डायग्राम है। तो ये मैं क्या किया, आपको देखिए, मैं आपको दिखाऊंगा। एक्चुअल क्या होता है, ये जो कॉफ है, अब देखिए, ये जो कॉफ है, फर्स्ट वाला जो वाई टैप है, इसको बोलते हैं वाई टैप, टेक्निकली नाम है वाई टैप। तो इसमें मैं आपको सर्किट में दिखाऊंगा, लेकिन यह तब तो कैमरा अच्छा से नहीं आएंगे। मैं यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके रखा, एक रजिस्टर है, ठीक है, एक रजिस्टर कनेक्ट करके रखा, ठीक है। तो यहाँ से क्या है, सीपीबी जो सिग्नल है वो मिस है। तो कितने नंबर पिन में है, अब देखिए, मैं आपको यहाँ से दिखाऊंगा ये सर्किट में, देखिए देखिए, ये जो कॉफ है, ये तीन नंबर जो थ्री नंबर पिन है प्लस 1.45, ये तीन नंबर पिन का सीपीबी सिग्नल मिस है, यहाँ पर वो सिग्नल नहीं आता है, इसीलिए वो प्रॉब्लम होता है। तो मैं कैसे, कहाँ पर क्या कनेक्ट करूँगा, ये मैं आपको दिखाऊंगा, आप देखते रहिए। पहले तो आपको डरने का कोई बात नहीं है। आप मान लीजिए आपका पास एक कॉफ डेटा सीट नहीं है, कॉफ डेटा सीट नहीं है तो काम नहीं होगा, काम होगा। उसका प्रोसीड्यूर है, आप एक रजिस्टर कनेक्ट कर लीजिए 10K, देखिए यहाँ पर ये रजिस्टर, मेरा जो बॉडी है, बॉडी रेजिस्टेंस, यहाँ पर अटैच करूँगा तो स्किन में रिफ्लेक्ट आएंगे, वो मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए देखिए, वो एक बार टच किया था ना, ये देखिए देखिए देखिए, थोड़ा सा टच करेगा तो कॉप का कोई दिक्कत हो सकता है। ठीक है, पिक्चर देखिए देखिए, एक कॉप में टच करूंगा डिस्टर्ब हो जाएगा, इसलिए मैं क्या करता हूं, अब देखिए, मेरा पास ए सॉरी देखिए, आप आंगुल में लगा दीजिए, आराम से यहाँ पर कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये इंसुलेटर का काम करेगा। तो आप देखते रहिए, यह जो स्केलर है वो मैं दिखाऊंगा लास्ट में, कहाँ पर सीपीबी पॉइंट है। पहले आप पिक्चर देख लीजिए, मैं यहाँ से एक वायर कनेक्ट करके रखा, एक रेजिस्टेंस, देखिए अभी टाइम तो क्या है, देखिए देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, सॉरी, यहाँ पर आप को देखने के मैं कोशिश करूंगा, लेकिन बैकलाइट ऑन है ना, इसीलिए। तो पहले पिक्चर देख लीजिए, मैं पूरा डिटेल्स दिखाऊंगा कहां से क्या कनेक्ट करता हूं। देखिए देखिए, सॉरी, देखिए, रेजिस्टेंस तो थोड़ा सा बैंड हो जाता है, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए, आप सही पिक्चर आ गई, आप देखिए, आपको मैं स्क्रीन में दिखाऊंगा, ठीक है, आप देखते रहिए। देखिए
कोई आदमी नहीं है, ये पूरा काम मैं। देखिए ये जब भी मैं इसको कनेक्ट करके रखा, पिक्चर डिस्प्ले सही आता है, ठीक है देखिए। लेकिन यहाँ पर सही है तो रजिस्टर मैं छोड़ के वो जो थिन वायर है वो मैं डायरेक्ट कनेक्ट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसको मैं ये मैं छोड़ दिया। तो आपको मैं देखने के लिए ये बैकलाइट ऑफ करता हूँ, देखते रहिए दोस्तों, बैकलाइट ऑफ करता हूँ। देखिए तो यहाँ पर कहाँ आप देखिए, देखिए यहाँ पर जो पॉइंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए ये जो पॉइंट है आप देखिए, CPB जो है ना वो सिग्नल मिसिंग था, वो CPB पॉइंट में वो कॉप का CPB पॉइंट से यहाँ से एक थिन वायर कनेक्ट कर दीजिए, हो जाएगा। कहाँ तक आपको मालूम होगा, देखिए, अरे कोई झूठ बात नहीं है दोस्तों, आप देखते रहिए। देखिए ये देखिए यहाँ पर आपको देखिए मालूम होगा, देखिए CPB का पॉइंट है, ये पॉइंट से आप यहाँ तक एक थिन वायर कनेक्ट कर दीजिए, सेट रेडी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपका ये वीडियो पसंद हुआ तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ऐसा तरफ कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम मैं अपलोड करूँगा, और मेरा जो अपडेट प्रोग्राम मैं स्टार्ट करूँगा मेरा ऑफिस में, वो लगभग दिवाली के बाद होगा। लेकिन मेरा ऑफिस का जो काम है वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी तक, कंप्लीट होने का बात था लेकिन नहीं हुआ, इसीलिए मैं जो अपडेट प्रोग्राम करूँगा मेरा ओन ऑफिस, वहाँ पर सब कुछ है, मैं आपको खुद काम करके दिखाऊंगा, आप खुद से काम करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वो सब बात छोड़ दीजिए, तो जिस टाइम होगा वो आप देखेंगे तो मैं अनाउंस करूंगा। तो चल आज यहाँ तक मैं ये वीडियो समाप्त कर रहा हूँ। ओके एवरीबॉडी, गुड नाइट।